कोमल, ये बचपन में रक्षा स्कूल का किस्सा, ये क्या क्या सीन है कोमल? ये तो थोड़ा फनी वाला है। क्या हुआ? तो अच्छा, मैं और मेरी जो बहन है ना, हम स्कूल के पॉपुलर बच्चे होते थे। पॉपुलर गर्ल्स जो होती हैं, सब उनको फॉलो करते हैं। तो हमारे स्कूल में ऐसा था कि हमारा बड़ा लाइक भरम था ना, वो टेका होता है ना दोनों का, पढ़ाई में अच्छी नहीं, और ना स्टेज पर चढ़ चढ़ के डिबेट करना और नाते पढ़ना और ये सारी चीजें। अच्छा, घर पे जो है फाइनेंशियली जो है सिचुएशन बड़ी टफ थी। तो लेकिन जब स्कूल में आपका यूनिफॉर्म होता है और आप वैन में जाते हैं तो सब बराबर होते हैं, सबने यूनिफॉर्म किया है, और वैन वाला स्कूल था तो सब वैन में जाते थे, पता नहीं चलता था। मुसीबत तब आती थी जब वैन नहीं आती थी। अब जब वैन नहीं आती तो आपने अपनी ही कन्विंस पे जाना है। तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो अम्मी जो है वो रिक्शे में हमें लेके जाती थी। और उस वक्त मेरी बहन के और मेरे ना हाथ पांव फूल जाते थे कि हाय, हम भरम होता है ना स्कूल पे, भरम में अब हम रिक्शे से पटर पटर करते हुए उतरेंगे, दोनों के दोनों कूल गर्ल्स स्कूल की। तो अच्छा, अम्मी को ये बात समझना है, अम्मी कहे इसमें क्या शर्मिंदगी की बात है, हम मेहनत से कमाते हैं जो कमाते हैं। हम कहे अम्मी भाई हम फेमस है, हमारे लिए ऐसे आप ना करें भाई, प्लीज रिक्शे में ना लेके जाएं। तो कहाँ लेके जाऊं मैं तुम्हें, कैसे करूं। एनीवे, अच्छा एक तो रिक्शे में लेके जाती थी हमें, और होता ये था कि जब वैन नहीं आई, आपने इंतजार किया वैन का, उतने में असेंबली लग गई है पूरी की पूरी, राइट, सब सारे के सारे बाहर स्कूल की जगह पर खड़े, एक ही जगह खड़े में, exactly, और कोमल और कनीज जो है वो पटर 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 करते हुए रिक्शे से उतर रहे। अच्छा, रिक्शे से उतर तो रही है, उसके बाद अम्मी बोलेंगी हाँ भाई कितने पैसे हो गए? बोलेगा बाजी 100 रुपए। क्या मतलब है 100 रुपए, इतनी महंगाई हो गई है? अब दूसरी बार हमने बोला कि अम्मी आप एक काम करें, हमें ना गली के कोने पर छोड़ दिया करें, हम वॉक करके चले जाएंगे। क्या मतलब, एक तो रिक्शा की है, बस में नहीं जा रही मैं तुम लोग के साथ, वो मैं तुम्हें मेन जगह पे छोड़ने जा रही हूँ, तो अगर इधर मेन रोड पे छोड़ा तो बस में आते हम। हमने सलूशन, हम भी इतने शैतान थे ना, हमने निकाला ये कि वो रिक्शा नहीं रोक रही, वो बोली मैं मेन जगह पे छोड़ूंगी, तुम लोगों को सेफ नहीं है। हम भी चलते हुए रिक्शे में छलांगे मारियां हम तो। और अम्मी ने भी जाके ना लाइक सबसे शिकायत की है फुप्पो वगैरह से कि इनको ना शर्म आती है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है और हम रिक्शे में जाते हैं। खैर, तो ये कहानी थी जिसका हमने सलूशन ये निकाला कि भाई रिक्शे से छलांग मारो, क्योंकि अम्मी ने तो नहीं रुकना। और ये चीजें कितनी बदल जाती है, आज वो टीवी पे बैठ के सुना रही है जी, जी। ये सब चीजें वक्कर आती है ना, जाहिर है पता लगता है कि ये तो बड़ा प्राउडली बताना चाहिए कहाँ से कहाँ आए हैं भाई। आप रिक्शे की बात करिए, हमारी अम्मा ने तो हमें बस में सफर कराया, पब्लिक बस में, बिल्कुल G7 हमने किया है। और ये बहुत नॉर्मल होना चाहिए कि अगर आप इस ऐसे आते हैं, अगर आपने रिक्शे में किया है, बस में किया, मैंने तो देखा है ऐसे वाले लोग सबसे ज्यादा आगे जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जुस्तजू होती है, उनके अंदर एक हंगर होती है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस।